आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा अमेरिकी संघीय न्यायपालिका यानी अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। दो तीन कथन हैं, उनसे हम अपनी बात शुरू करेंगे। जे एम बेक का एक कथन है, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को शासन की शक्तियों के बारे में राष्ट्र का अंतिम विवेक बताया है। न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर कहते हैं, इम्पोर्टेंट कथन है, थोड़ा ध्यान रखें, न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर का क्या कथन है, वो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर का कथन, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण कथन और है, न्यायाधीश हूज ने कहा है, हम एक संविधान के अंतर्गत हैं किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। ये अमेरिका के संदर्भ में न्यायाधीश हूज की बात है। सबसे पहले वहाँ की जो न्यायपालिका है उसकी सामान्य जो बातें हैं, सामान्य जो बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो एक तरह से देखा जाए तो अपनी विशेषताओं के लिए समस्त प्रजातांत्रिक विश्व में प्रसिद्ध है। कुछ बातें हैं जैसे संविधान के आधार पर कांग्रेस द्वारा गठन, यानी संविधान ने न्यायपालिका के संगठन के बारे में विस्तृत व्यवस्था नहीं की है अपितु उसने इसके संगठन का कार्य कांग्रेस पर छोड़ दिया है। संविधान का अनुच्छेद 3, उसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और ऐसे अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिनकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस कानून द्वारा समय समय पर करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के साथ ही अन्य संघीय न्यायालयों की स्थापना का कार्य भी कांग्रेस पर छोड़ दिया। कांग्रेस यानी वहां की जो व्यवस्थापिका है, प्रतिनिधि सदन और जो प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट, उसके दो सदन हैं, तो वो कांग्रेस ही निश्चित करती है कि अधीनस्थ संघीय न्यायालयों की संख्या कितनी होगी और उनकी स्थापना किस जगह की जाएगी और उनके कार्य करने वाले न्यायाधीश कितने होंगे। तो राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों अन्य न्यायालयों की स्थापना राज्यों के जो विधानमंडल है उनके द्वारा की जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के साथ जो अन्य संघीय न्यायालय हैं उनकी स्थापना का कार्य तो कांग्रेस का है, जो राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों की स्थापना है वो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा की जाती है। अमेरिका में जो न्यायपालिका उसका दोहरा संगठन है, अमेरिका की जो संघीय प्रणाली उसमें एक तरह से देखा जाए तो दोहरी न्यायपालिका है, एक संघीय यानी राष्ट्रीय न्यायपालिका और दूसरी राज्यों की न्यायपालिका। इनका संगठन, कार्य क्षेत्र एवं न्यायिक प्रशासन अलग अलग है और इनके बीच कोई संबंध नहीं है। संघीय न्यायपालिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय व उसके सहायक संघीय न्यायालय शामिल हैं। संघीय न्यायालयों का कार्य क्षेत्र संघीय संविधान एवं संघीय कानून से संबंधित है और संघीय न्यायपालिका का जो गठन है वो आपको अभी बताया था कि कांग्रेस द्वारा किया जाता है। और राज्यों की जो न्यायपालिका में जो राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय हैं वो उनके सहायक न्यायालय हैं वो सारे शामिल हैं और उनका वहाँ के जो विधानमंडल हैं वो करते हैं उनका। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका की स्थापना उस राज्य के संविधान द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र उसके अपने संविधान से संबंधित होता है क्योंकि वहाँ संघीय संविधान के अतिरिक्त राज्यों के अलग से संविधान है। एक और बात है, वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक पुनरावलोकन है। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, ये अपनी चर्चा पहले रही है, बताया कई बार, किंतु संविधान की व्याख्या का कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। ये हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में भी इस बात को हमने देखा था। संघीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान की जो व्याख्या करता है वह कांग्रेस व राष्ट्रपति को मान्य होती है। अतः ये कहा जाता है कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना भी की गई है। शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका की विशिष्ट स्थिति है। न्यायाधीश हूज का कथन है, हम एक संविधान के अंतर्गत हैं किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। हमने प्रारंभ में इस बात पर चर्चा की थी। न्यायिक सर्वोच्चता के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अपने इस अधिकार के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों व कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन करता है और बताता है कि ये संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन ने दो अन्य विशेषताओं को भी वहां जन्म दिया है। एक तो है सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में कार्य करने लगा एक तरह से वहां, और दूसरी बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां राजनीतिक प्रजातंत्र को मजबूत किया है वहीं सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना के मार्ग में बाधाएं भी डाली हैं। न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का रूढ़िवादी तरीके से प्रयोग किया। इसके अलावा
न्यायाधीशों की राजनीतिक नियुक्ति व जन स्वीकृति। संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इस बात की कोशिश करता है कि उसके समर्थन न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। अधिकतर राज्यों में भी नियुक्ति का वही तरीका अपनाया गया है। इन राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों के गवर्नर द्वारा की जाती है। ये उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की उपरोक्त नियुक्तियों पर जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति पाना जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। इसी प्रकार राज्यों के गवर्नर द्वारा की गई नियुक्तियों पर राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति जरूरी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता स्वयं भी करती है। इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र है। अमरीकी जो न्यायपालिका है उसके संबंध में कहा जाता है कि अमरीका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव काम करता है, किंतु एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। उनकी स्वतंत्रता का कारण उनके कार्य करने की अच्छी शर्तें बताई जा सकती हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन काल के लिए की जाती है। ये ध्यान रखें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो आजीवन होता है। संघीय न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की कार्यवाही द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। अधिकांश राज्यों में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अलावा पर्याप्त वेतन, भत्ते, सुविधाएं काफ़ी हैं और कार्यकाल में कभी वो सीमित नहीं की जाती हैं और वो भयमुक्त होकर स्वतंत्र ढंग से कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि वो दूसरे राज्य से भागे हुए अभियुक्तों को वापस कर दे। सरकार निधन व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। सभी मुकदमों की सुनवाई में जूरी का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण न्याय अधिक कुशल व निष्पक्ष होता है। पुलिस के झूठे मुकदमों से व्यक्ति की रक्षा के लिए भी जूरी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति पर कोई गंभीर या निंदनीय अपराध संबंधी मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि महान जूरी ग्रांड जूरी अपनी सहमति नहीं दे दे। न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दंड देने से पहले कानून की निश्चित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करती है। वह कानून की निश्चित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति से वंचित नहीं करती है। न्यायालयों के निर्णयों को सरकार का न्याय विभाग लागू करता है। तो ये कुछ अन्य वहाँ की न्यायपालिका के संबंध में बातें हैं, विशेषताएं हैं। इसके अलावा संघीय न्यायपालिका का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हम बात करें तो अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान ने की है, इसे अपनी चर्चा रही है पीछे, और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना कांग्रेस ने की है। वस्तुतः संविधान ने संपूर्ण संघीय शासन में एक अभिन्न अंग संघीय न्यायपालिका के रूप में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को अनिवार्य माना है और अन्य संघीय न्यायालयों की स्थापना के विषय को कांग्रेस की इच्छा पर छोड़ दिया है। संघीय न्यायपालिका के संगठन में संघीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंची अदालत है। वर्तमान काल में उसके अधीनस्थ अदालतें भी इस प्रकार हैं, जैसे प्लस संघीय न्यायपालिका गठन में हम बात करेंगे तो एक तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय हो गया और उसके बाद में जो अन्य न्यायालय हो गए संघीय। तो जो संघीय न्यायपालिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो तो सबसे ऊंची अदालत है, और उसकी अधीनस्थ अदालतें कौन सी हैं, जैसे दावा न्यायालय है, इस न्यायालय का मुख्य स्थान वाशिंगटन है तथा ये संघीय सरकार के विरुद्ध नागरिकों के दावे सुनता है। दावा न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। एक अपील का सर्किट कोर्ट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 10 न्यायिक विभागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग एक सर्किट न्यायालय की स्थापना की गई है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में 3 से 6 न्यायाधीश होते हैं। सर्किट न्यायालयों में उनसे नीचे के न्यायालयों से अपील आती है और स्वयं सर्किट कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्किट न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं, संघीय व स्थानीय मामलों से संबंधित जिला न्यायालय, इस प्रकार के न्यायालय कोलंबिया जिले में हैं, संघीय मामलों से संबंधित जिला न्यायालय और कर न्यायालय। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल की सलाह के आधार पर की जाती है और सीनेट की स्वीकृति इन पर नहीं ली जाती है। आयात, निर्यात तथा पेटेंट अपील न्यायालय, इस न्यायालय में 5 न्यायाधीश होते हैं जो पेटेंट ऑफिस तथा आयात निर्यात न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनते हैं। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये एक तरह से हो गया संघीय न्यायालय का संगठन। और जो सर्वोच्च न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके संगठन की हम बात करें तो संघीय सर्वोच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की संख्या वो समय समय पर बदलती रहती है। प्रारंभ में तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 5 अन्य थे, परंतु बाद में कांग्रेस ने इनकी संख्या में अनेक बार परिवर्तन किया है। और जैसा कि पहले बताया था आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति ली जाती है, और इनका जो कार्यकाल है वो आजीवन होता है। वे स्वेच्छा से पद त्याग कर सकते हैं और इन्हें हटाया केवल
महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही जा सकता है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है और इनका वेतन और भत्ता इनको बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और हालांकि इनका वेतन कर मुक्त नहीं है, ये एक बात ध्यान में रखें। और इनकी जो कार्य प्रणाली है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन अक्टूबर से जून तक चलता है और अभियोग है वो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को सुने जाते हैं और शनिवार को न्यायाधीश अभियोग पर विचार करते हैं और निर्णय बहुमत से लिया जाता है, ध्यान रखें। वहाँ पर निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना विरोधी मत अंकित करा सकते हैं और निर्णय फिर सोमवार को सुनाए जाते हैं। तो ये एक तरह से वहाँ की कार्यप्रणाली हो गई। और इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, कार्य है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उस पर बात हम आगे के भाग में करेंगे।